पीटीआई रहनुमा के खिलाफ जेराव घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने सीपीओ लाहौर ऑफिस में जेआईटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। असद उमर के अलावा पीटीआई का कोई और रहनुमा जेआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा दर्ज मुकदमात की जो तफ्तीश का सिलसिला है वो जारी है। पीटीआई के रहनुमा असद उमर सीसीपीओ ऑफिस में जेआईटी के सामने पेश हुए। जेआईटी की टीम ने पीटीआई रहनुमा असद उमर के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। असद उमर के अलावा पीटीआई के कोई और रहनुमा जेआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। पीटीआई के बाकी रहनुमा के बजाय इनके वकला जेआईटी के सामने पेश हुए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, हमारे अदर समेत दीगर रहनुमा के वकला के बयान जेआईटी ने रिकॉर्ड नहीं किए। जेआईटी की टीम ने वकला को अपने मौकल को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा गया। जेआईटी ने फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, इसके अलावा आजाद चौधरी, मियां महमूद रशीद, हमारे अदर समेत दीगर रहनुमा को विस्तार तलब किया था। जेआईटी दोबारा जो है इन रहनुमाओं को तलब करेगी और समन जो है वो दिलवाएगी। दोबारा पेश ना होने पर जेआईटी की टीम जराय के मुताबिक अदालत से इन रहनुमाओं की जमानत खारिज करवाने की भी सलाह करेगी। जेआईटी की टीम तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने की 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। मुकदमा थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और उसके अलावा शादमान में दर्ज की जो तफ्तीश है वो जेआईटी कर रही है। जी शुक्रिया मुदस्सिर आपका।